I'm turning you into a mummy. Also, that's another thing. मैं घर आते अपने फॉर्म में आ गई आफ्टर ऑफिस का रूटीन. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? तो आज मंडे है और अभी मैं तैयार हो गई हूँ नानू और मैं नानू का ये जो ऑर्थोपेडिक्स है ना वहाँ पे जाने के लिए ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है सुबह ही. तो अभी 10:30 को है इसका अपॉइंटमेंट. नहीं 10:30 को नहीं, 10:15 को है इसका अपॉइंटमेंट. तो अभी देखिए इसका हालत, हाथ का मुझे लग रहा है ना स्लाइटली फ्रैक्चर्ड. ये हम लोगों ने जहाँ पे अर्जेंट केयर लेके गए थे ना वहाँ पे भी रिपोर्ट में आया कि स्लाइटली फ्रैक्चर्ड हो गया है इसके. ये ऐसे जॉइंट होता है ना, इसको आज फिर जाके दिखाएंगे, जो मेन ऑर्थोपेडिक है वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि क्या हुआ है एक्चुअली. अभी रुक रही हूँ मैं टिया के लिए. अगर टिया जगी तो मैं लेके जाऊँगी, अगर नहीं जगी तो मैं सोच रही हूँ कि रखूँगी, क्योंकि उसको आधे नींद में फिर उठा के ले जाना मतलब ना वो पूरा गाड़ी में रोएगी. क्योंकि कल भी जब पिकनिक जा रहे थे हम लोग तो वो जल्दी नहीं उठी थी, तो हमें जल्दी जाना था. परसों रात को भी वो बहुत लेट से सोई थी, तो आधे नींद में उठा के ले गए और पूरा रास्ता वो रोई, पूरा रास्ता वो रो के ही वहाँ पे पहुँची और उसके बाद जाके वहाँ पे जाके चुप हो गई. तो इसीलिए मैं उसको नींद में नहीं ले जाना चाहती. कल पिकनिक में ना बहुत सारे लोगों ने ऐसे पीठास लेके आए थे, तो जो भी लेफ्ट ओवर था सब लोगों ने ऐसे ही जिपलॉक में पैक करके अपने अपने घर ले गए. और खाना भी है कल का, तो वैसे ही जो लेफ्ट ओवर था वैसे पैक करके सब लोगों ने लेके आया घर पे, अपने घर पे. फिर मैं राइस बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी, बस उतना ही, और आज का लंच हो भी जाएगा. अभी हम लोग चलते हैं, ऑलमोस्ट 10 o'clock हो चुका है. तो टिया इज स्टिल स्लीपिंग, तो देखती हूँ तब तक अगर जग जाएगी और 5 मिनट तो उसको लेके जाऊंगी. यहाँ पे है एक्सरेज का रिपोर्ट, डॉक्टर के लिए हम सब वेट कर रहे हैं. And here's all the colors we have. Now here's my pink right here. But you tell me, do you like anything else? I like this one. You like the pink camouflage? Yeah. That one right there? We can do that. Sure. I'll bring this one first. I'll put some padding between your fingers, okay? Like a bone. Like bones? Kinda, huh? What is bone? Now this tape shouldn't feel like it's too tight. It should just feel like it's holding your finger together. Does it feel okay? Yeah. Okay, good. Oh my gosh! I'm turning you into a mummy. Also, that's another thing. You love to dress up as mummies, so that's why we're wrapping you up like this. That's not like you dress up ghosts. Oh, real still, sweetie. Can you bring your thumb out? Bring your thumb out. There you go. You're doing really good, you know that? Bring those fingers up just like this, but keep that wrist back just like that. There you go. Are you feeling okay? Yeah. Nothing's hurting or bothering you? Yeah. Okay, good. I don't want it to hurt. Try not to touch, okay? Try not to touch. No touching, but... And we're doing green, right? Yeah.
Are we green? Doing green? Green or you want it blue? That's right. You want it blue. Right? You want blue? No. I want pink. Pink? You didn't say pink. You said you wanted brown. I said I want pink. You said you wanted pink camouflage, right? Yeah. Yeah. Let's do it. Let's do it. All right. First thing I'm gonna put on will be a white layer, and then we'll put the pink camouflage on top of that. Okay. Pretty cool looking, huh? This is where we make it look cool, right? Mm-hmm. Yeah, that's right. इसमें ना नानू का थोड़ा सा ना वो फ्रैक्चर्ड भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा जस्ट क्रैक होता है ना, छोटा सा क्रैक आया है और उसके लिए ये कास्ट लगा दिया है उन लोगों ने, और 3 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के बाद फिर से हमें आना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, और मेडिकेशन कुछ नहीं दिया है, वो अपने आप हील हो जाएगा। नानू कैन यू प्लीज शो योर कास्ट? यस, हाउ आर यू फीलिंग? नाइस, इसको नाइस फील हो रहा है। चलिए या तो चलिए चलते हैं अभी घर, क्योंकि टिया वेट कर रही है। लेट्स गो। घर आ गई अभी मैं, और टिया को भी सुला दिया, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पे, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हम लोग यहाँ से निकले ही थे, वो भी जग गई, और 2 घंटे हम लोगों का, करीब 2 घंटे हम लोग वहाँ पे थे, तो आके उसको ब्रेकफास्ट खिला दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो मैं आके बस उसको सुला दिया फिर से, तो वो सो गई। और अभी मैं थोड़ा सा ये दाल बना रही हूँ, दाल बनाऊंगी, उसके बाद चावल बनाऊंगी, और उसके बाद हमारा लंच रेडी, और सब्जी तो है ही कल का। तो मैं घर आते ही अपने फॉर्म में आ गई पजामे में, क्योंकि मुझे ये घर पे रहना मतलब पजामा पहनना, मुझे घर में बस पजामा पहन के ही आराम लगता है। यहाँ पे देखिए इतना सारा टॉयज पड़ा हुआ है, इसको साफ करना है, बहुत सारा काम बाकी है, तो चलिए धीरे धीरे करते हैं सारा साफ। जैसे ही मैंने सोचा था कि ये क्लीन अप करूँगी, अब फिर ये जग गई, और यहाँ पे फिर से मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इसको ना थोड़ा कंपनी चाहिए, यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी भी हिलूँ ना तो ये शुरू हो जाएगी। और नानू है फिर भी इसको पता है कि ये बच्ची है। सर दुख रहा है, मैं ना अगर ऐसे चोटी बांधती हूँ ना तो मेरा सर बहुत हेवी हो जाता है, दर्द होता है, तो मैं इसको इसीलिए मैं ना हमेशा ढीला करके टाई करती हूँ हेयर ऐसे नीचे में, वरना पूरा सर यहाँ से दर्द होता है। अभी टिया भी सो गई, और सोते ही अब ये स्टार्ट हो गई, ये मुझे बोल रही कि कुछ खेलने के लिए उसके साथ, और देखिए पूरा क्लीन करके वैक्यूम करके साफ सुथरा है अभी, बस ये टेम्परेरी साफ सुथरा है। मैं रात के लिए ना ये कुछ, मुझे सब्जी कट करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं ना ये दाल भिगो के रखी हूँ, ये चना दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा ही स्नैक्स बचा है बस। दिन भर खाते खाते ना खत्म ही हो चुका है। ओके, बोली खांची लड्डू, नानू लड्डू को लड्डू बोलती है, नानू हमेशा लड्डू बोलती है लड्डू को, तो अभी इतना ही बचा है बस, अभी ये खाऊंगी दिन भर थोड़ा 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 करके, मैं, मेरे हस्बैंड और नानू ने कुछ कुछ, नानू डिड यू ईट समथिंग? नो, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाए हैं सब कुछ, तो आज कल था, आज ही खत्म हो गया। देखिए कल का थकान ना आज हो रही है मुझे, इतना टायर्ड लग रहा है। अभी टिया सो रही थी ना तो मुझे सोने का मन कर रहा था, पर नानू अकेली हो जाएगी तो इसीलिए मैं उठ के आ गई, अभी इसके साथ खेलूंगी। मौसम बहुत अच्छा है आज, इतना ठंड भी नहीं है, मैचिंग मैचिंग राइट।
आफ्टर ऑफिस का रूटीन ये हमेशा का है, दोनों को ही ऐसे गोद लेना ऑलवेज, और यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि बहुत ही केयरफुल, क्योंकि वो नानू हैवी हो रही है अभी, तो मैं तो उठा नहीं सकती हूँ नानू को आजकल, दोनों को उठाना मतलब बहुत ही खुशी जा रही है ना, गया ना टिया बाबू आई गिर से बेटा क्या बस नहीं क्या। अभी मैं काम में लग जाती हूँ अपना किचन का, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी फ्री हुए हैं, डिनर भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे है हमारा डिनर, चना दाल और रोटी रेडी है, अभी हम सब खाना खाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।